ऑनलाइन खरीदारी पर निबंध। परिचय। ऑनलाइन खरीदारी कई वस्तुओं को खरीदने का विकल्प बताने। और इसे हमारी बताई हुई जगह प्राप्त करने का। बेहतर तरीका है। इसलिए हम ऑनलाइन शॉपिंग को खरीदारी के सुविधाजनक तरीकों में से एक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विक्रेता अपनी वेबसाइट पर उत्पाद के विवरण लगातार अपलोड कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग उन बाजारों में भीड़ को कम कर रही है जो आम तौर पर पहले देखे जाते थे। यह विभिन्न विकल्पों की पेशकश के साथ ग्राहक के पैसे और समय दोनों को बचाता है। ऑनलाइन खरीदारी की चुनौतियां।
ऑनलाइन खरीदारी हमारे कंफर्ट जोन से निकले बिना वस्तुओं का चुनाव करने का सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन साथ ही साथ इसके कई नकारात्मक पहलू भी हैं। तकनीक को सर्फिंग के साथ साथ स्मार्ट तरीकों का उपयोग करने के लिए बेहतर ज्ञान की आवश्यकता होती है। समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी यहां तक पहुंच आसान नहीं है। और इस तरह से वे खरीदारी के पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर हैं। पुराने लोगों को भी कुछ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वे खरीदारी के दौरान वस्तुओं को देखने
और उसका पूर्ण रूप से अवलोकन करने आदि के बाद ही उस पर भरोसा करते हैं। और उसे खरीदते हैं। इसलिए अभी भी एक बड़े वर्ग के लिए पारंपरिक खरीदारी उनकी पहली प्राथमिकता बनी हुई है। निष्कर्ष। ऑनलाइन खरीदारी आज के समय की एक आवश्यक जरूरत बन गई है। समाज के अधिकांश लोग लंबे समय तक अपने कार्यालयों में व्यस्त रहते हैं। और ऐसे में उनके पास खरीदारी करने का समय नहीं होता है। यह ट्रेंडिंग तकनीक लोगों के जीवन को आसान बनाएगी और लोग इससे लाभान्वित होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहे। बाय बाय।